सब हमसे पूछते हैं कि कोई बड़ी टेक कंपनियों को टक्कर क्यों नहीं दे पाता। वेल, अब हम आ रहे हैं। ये कहते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल लॉन्च कर दिया है। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने इसकी जानकारी दी है। नवंबर महीने में ट्रूथ सोशल का बीटा वर्जन लॉन्च किया जाएगा, जो कि लिमिटेड लोगों के लिए ही मौजूद होगा, और 2022 की पहली तिमाही में इसका नेशनल लॉन्च होगा। ट्रूथ सोशल की मार्केटिंग मटेरियल में इसके स्क्रीनशॉट दिखाए गए हैं। ट्रूथ सोशल का लोगो देखिए, दिखने में ये फेसबुक के लोगो जैसा है। नीले रंग के बॉक्स में कैपिटल में टी लिखा हुआ है। इसी साल 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुए हमले के बाद फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स को पॉलिसी वायलेट करने के लिए सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद ही उन्होंने घोषणा की थी कि वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेकर आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल को लॉन्च करते हुए कहा, मैंने ट्रूथ सोशल और TMTG इसलिए बनाए हैं ताकि वो बड़ी टेक कंपनियों की तानाशाही का मुकाबला कर सके। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां ट्विटर पर तालिबान की मौजूदगी है, लेकिन आपके पसंदीदा प्रेसिडेंट को शांत करवा दिया गया, ये नहीं चलेगा। मैं ट्रूथ सोशल पर पहला ट्रूथ पोस्ट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। बड़ी टेक कंपनियों को टक्कर देने और सभी को अपनी बात कहने का मौका देने के मिशन से ट्रूथ सोशल को लाया जा रहा है। ट्रूथ सोशल के लॉन्च के लिए ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप और डिजिटल वर्ल्ड एक्विजिशन कॉर्प का मर्जर हुआ है, जो कि अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डेक पर भी लिस्टेड है। कंपनी का फिलहाल ट्रांजैक्शन वैल्यू $875 मिलियन है और अभी $825 मिलियन के निवेश का भी अनुमान है, जिसके बाद इसकी वैल्यूएशन को $1.7 बिलियन तक ले जाने की उम्मीद की जा रही है, जो कि स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करेगा। फिलहाल खबर यही है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, और जो लोग सोशल मीडिया पर उनको मिस कर रहे हैं वो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप से वर्चुअली रूबरू हो पाएंगे।